दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी के सेलर पैनल पर जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उस ऑर्डर को आपको कैंसिल ना करना पड़े और कस्टमर को आपको रिफंड ना करना पड़े। इसके लिए कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है, यानी कि इट्सी पे आपको ऑर्डर तो रिसीव होते हैं लेकिन ऑर्डर रिसीव होने के साथ ही काफ़ी ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि आपको कैंसिल करने पड़ते हैं, और वो चाहे शिपिंग का इशू हो, चाहे कस्टमर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके पास जब कंप्लीट नहीं होती है, तो वो कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इट्सी के जो ऑर्डर होते हैं उसको आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने इट्सी पे अपना अकाउंट क्रिएट किया तो अकाउंट क्रिएट करने के साथ ही मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट, यानी कि मैंने इट्सी को जो है, जब भी आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने इसमें लिस्ट नहीं किए क्योंकि मेरी एक्टिव लिस्टिंग आप देखेंगे 8 लिस्टिंग है, और अभी मैं इस पर अपने प्रोडक्ट जो है अब कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू मैंने क्यों नहीं किया था उसकी वजह मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि इट्सी पे मेरे को कोई भी ऑर्डर जो है रिसीव नहीं हुआ था, तो मैं केवल एक प्रैक्टिकली ये चेक करना चाह रहा था कि इट्सी पे जो ऑर्डर अगर रिसीव होते हैं उनको डिस्पैच करने का क्या प्रोसेस होता है। कंप्लीट जो प्रोसेस था, जब तक मेरे को इट्सी पे अगर कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो मैं उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए, मतलब इट्सी पे मेरे को ऑर्डर भी रिसीव हुए और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन 8 लिस्टिंग में से 2 मेरे को ऑर्डर रिसीव हुए थे और 2 में से मेरे को जो है एक ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने की वजह क्या थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उस टाइम आप देखेंगे जो मेरा इट्सी का जो अकाउंट होता है, ये अभी मैंने पेवनियर पे अपना इट्सी से इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, जो पेवनियर होता है, इससे पहले मेरा पेपल पे था। तो पेपल के अंदर दोस्तों, अगर आपका भी पेपल पे अकाउंट है और अगर आपने उसको इट्सी से किया हुआ है तो उसे आप रिमूव कर दें, यानी हटा दें। हटाने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरी ये 8 लिस्टिंग है जो कि इट्सी पे अभी एक्टिव है, और इसमें से जो मेरे को ऑर्डर रिसीव हुए थे, अगर मैं आपको ऑर्डर एंड डिलीवरी में दिखाऊं तो मेरे को 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे और दोनों की ही मैंने वीडियो बनाई थी कंप्लीट। अब मैं जैसे कंप्लीट पे अगर आपको दिखा देता हूँ तो कंप्लीट के अंदर ये वाला ऑर्डर मेरा अभी जो है इन ट्रांजिट है, क्योंकि ये शिप हो चुका है, मेरे यहाँ से पिकअप हो चुका है, और इंटरनेशनल जो ये ऑर्डर है दोनों के दोनों ही। और ये ऑर्डर आप देखेंगे, ये वाला ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने की वजह यह थी कि मेरा पेमेंट इसमें होल्ड हुआ था, और पेमेंट होल्ड होने की वजह क्या थी, मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि पेपल का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर $150 से अगर अबाव आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो पेपल आपके अकाउंट को होल्ड कर लेता है। तो मैंने क्या किया, इस ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद मैंने अपना अकाउंट जो इट्सी पे था, फाइनेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट्स अकाउंट्स के अंदर, तो पेवनीर के अंदर मैंने अपना अकाउंट जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया। यानी इट्सी पे जो भी अगर मुझे इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव होती है तो वो पेवनीर के अकाउंट जो होता है, यानी पेवनीर अकाउंट क्या करता है, इंटरनेशनल जो भी आपकी पेमेंट होती है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटल कर देता है। तो पेवनीर के अंदर आप अपना अकाउंट, और पेवनीर इसका अभी तक, जब आप देखेंगे एक ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था और इस ऑर्डर का अमाउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इट्सी ने जो पेमेंट किया, अब इट्सी की ओर से जो पेमेंट कितना किया गया था, $78.83, मतलब ये जो इट्सी का पेमेंट आया 29 जुलाई को, और 29 जुलाई को ही पेवनीर ने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ये वाला अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे $78.83 है और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितना ट्रांसफर हुआ, आप देखेंगे 78.83। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट्सी ने पेमेंट अगर पेवनीर के अंदर सीधा ट्रांसफर किया और विद इन 24 आवर के अंदर ये वाला अमाउंट जो था मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट होके ट्रांसफर हो गया। तो सबसे मेन आपको बेनिफिट भी ये बता दूं कि इसमें अभी तक आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी जो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है पेवनीर ने मेरे इसमें से डिडक्ट नहीं किया। अभी फर्स्ट जो ऑर्डर था जो कि मेरा इट्सी के थ्रू गया है, इससे पहले भी मेरे 2 जो ऑर्डर गए थे वो अमेजोन के थ्रू गए थे US के सेलर अकाउंट पे। तो मेन रीजन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, पेमेंट आपका होल्ड नहीं होता है, डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये मेरा बैंक अकाउंट जो है करंट अकाउंट नहीं है, ये मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है। तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर भी आप इसको अपना
इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं पेयोनीर पे। तो पेयोनीर पे अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, इसका भी ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब इशू नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स आपको इनमें सबमिट करनी होती है, इसमें भी वीडियो केवाईसी होती है, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। कंप्लीट करने के साथ ही आपका पेयोनीर पे अकाउंट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर इट्सी पे आप अपना सेलर हो तो अपना जो पेमेंट का जो इंटीग्रेशन है आप अपना पेयोनीर से कर लें, क्योंकि इससे पेमेंट गेटवे जो होता है पेयोनीर बेस्ट है पेपल की बनिस्पत। तो एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया, और इसके साथ ही जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, अब ऑर्डर के अंदर जैसे नंबर ऑफ लिस्टिंग की मैं बात करूँगा, अब इसमें मैं अपनी टोटल लिस्टिंग को जो है कंटिन्यू करूँगा, और कंटिन्यू करने के साथ ही जो भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होते हैं दोस्तों, तो उन ऑर्डर को आप क्या करते हैं, अगर इट्सी की ओर से शिपिंग लेबल आपको नहीं मिलते हैं, इट्सी की ओर से शिपिंग लेबल अगर आपको नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे उसका भी एक रीज़न होता है। इट्सी क्या करता है कि कुछ सेलेक्टेड जो कोरियर होती है, अब हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर उसका पिकअप ना हो, तो इस वजह से इट्सी की तरफ से आपको शिपिंग लेबल उस एरिया के नहीं मिलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो भी ऑर्डर रिसीव होता है, मतलब उसमें जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कोरियर जो होती हैं उनके ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने जो एरिया के अंदर जो भी आपकी कोरियर होती है उसके थ्रू भी वो ऑर्डर आप डिस्पैच कर सकते हैं, और करने के साथ ही केवल आपको जब ऑर्डर आप कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी अगर आपको कोई नया ऑर्डर अगर रिसीव होता है, अभी आप देखेंगे मेरे पास कोई भी अभी नया ऑर्डर नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर अगर आपको कंप्लीट यहाँ पर रिसीव होता है तो उसको आप जब कंप्लीट करते हैं तो कोरियर के नेम आते हैं, उनमें से किसी भी सेलेक्टेड कोरियर के थ्रू अगर आप भेजते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरी कोरियर भी होती है तो उसमें एक अदर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, उसमें भी आप थ्रू अपने जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनको आप सेल्फ शिप भी कर सकते हैं। और सेल्फ शिप करने के साथ ही जो भी आपके जो ऑर्डर होते हैं, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इट्सी पे जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनको आप अगर सेल्फ शिप करना चाहते हैं तो वो सेल्फ शिप जब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास बायर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते हैं। तो बायर से आपको कम्युनिकेट करना होगा, इट्सी में मैसेज का ऑप्शन होता है जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑर्डर में आप तो मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके साथ ही उनका ईमेल एड्रेस आपको मिलता है, तो ईमेल एड्रेस से आप अपना कम्युनिकेट करेंगे, और जब आपको उनका नंबर मिल जाता है तो नंबर मिलने के बाद में आप अपने किसी भी कोरियर पार्टनर के थ्रू उन ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं, और डिस्पैच करने के बाद में आपकी जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं दोस्तों वो COD नहीं होते हैं, सारे के सारे प्रीपेड होते हैं। और मेन चीज़ होती है कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं दोस्तों वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं आती है उनकी, वो नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइन है। अब जैसे आप देखेंगे मैं अपने जितने भी ऑर्डर होते हैं वो तो मेरा सिप रॉकेट के थ्रू मैं अपने इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उनको भी डिस्पैच करता हूं, क्योंकि मेरा तो अपने यहां पे घर से ही पिकअप हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलो कि आपके पास कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने जो नियरेस्ट जो भी कोरियर होती है उसके थ्रू भी अपने इंटरनेशनल ऑर्डर जो है आप डिस्पैच कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि पेयोनीर पे अगर अपना अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो पेयोनीर के अंदर क्या होता है कि 0 कमीशन पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मेरे से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया गया है, क्योंकि मैंने अपना इट्सी पे जो अकाउंट क्रिएट किया और लिस्टिंग जो मैंने की थी एज ए स्टडी पर्पज किया था, मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद फाइनल मेरा जो रिजल्ट निकला है कि आप देखेंगे एट ए टाइम, आगे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी आप देखेंगे कि पेयोनीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है, केवल इट्सी के अंदर जितना पेमेंट आपको रिसीव होता है उतना सारा पेयोनीर के अंदर आ जाता है। पेयोनीर अपना कमीशन अभी कुछ भी नहीं लेता, सारा का सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देता है, चाहे आपका बैंक अकाउंट सेविंग हो चाहे करंट हो, दोनों ही ऑप्शन इसमें होते हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और अपना अपना जो करंट अकाउंट होता है उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो कुछ ऐसी बेसिक सी गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन को फॉलो करके इट्सी पे जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनको आप डिस्पैच कर सकते हैं, और इंटरनेशनल जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनका थोड़ा शिपिंग चार्ज आपको काफ़ी हाई पे करना पड़ता है, तो इसकी जो प्राइसिंग होती है आप उसी हिसाब से रखें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी आपकी प्राइस की जो कॉस्ट होती है, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है उतनी कॉस्ट आपको, उससे डबल कॉस्ट आपको शिपिंग के अंदर पे करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो प्राइसिंग की जो कैलकुलेशन होती है उसके अंदर आपका इंटरनेशनल शिपिंग के जो चार्ज होते हैं वो, और प्लस आपको अपना प्रॉफिट भी जो है वो कैलकुलेट करके आपको लिस्टिंग करनी है।
और लिस्टिंग करने का जो प्रोसेस तो ये क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंप्लीट बता चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उस केस में आपको लिस्टिंग जो प्राइस होती है उसको प्राइस जब आप उसमें प्राइस करते हैं इंडिया या इंडिया से बाहर के लिए तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है इसकी एक प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा लिस्टिंग के टाइम में। जब मैं अपनी नेक्स्ट जो लिस्टिंग है मैं इस पे इट्स पे करूंगा तब आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।